हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स संगीता। फ्रेंड्स, अभी कोविड का टाइम है, इस समय हमें ना कहीं जाना आना कहीं नहीं है, बस हमें अपने घर में रहना है। तो हम अपने घर में ही अभी सुरक्षित हैं। तो हमको अभी क्या करना है कि हम लोग अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो हमको करना क्या है कि अभी हम एरिका पाम का पौधा अपने घर में लगाएं। हमारे घर में रहता ही है, अगर नहीं है तो हमको कहीं से मिले तो हमको 6 पौधा एरिका पाम का अपने घर में लगाना है, जिससे हम अपने घर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, साइंटिफिकली ये हम बोल नहीं सकते कि ऐसा होगा ही, लेकिन कहा जाता है कि हमारे घर का ऑक्सीजन लेवल कम से कम जो पहले रहता है उससे अगर हम अपने घर में 6 एरिका पाम का पौधा रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा टाइम है तो हमें रखने में क्या जाता है, अगर हमको प्लांट्स रखना ही है, पौधा रखना है, तो एरिका पाम का 5-6 पौधा हम रख लेंगे। और बड़े बड़े गमले में, अगर हमारे घर में जगह नहीं है तो बड़े बड़े गमले में ना रखकर हम छोटे छोटे गमले में रखेंगे। और इसको हम, अगर आपके पास जमीन पे रखने का जगह नहीं है तो हैंगिंग बास्केट में भी छोटे छोटे पौधों को, इसके छोटे छोटे पौधों को ले आके हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेगा, ये इंडोर आउटडोर दोनों में ये पौधा रहता है और इसको हम आसानी से, ये हमारे घर में रहेगा, ये ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, डाइनिंग स्पेस में, बरांडे में, कहीं भी रखेंगे तो ये रहेगा। इसको कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट का, वो अंदर में हमारे बेडरूम के में अगर बहुत ज्यादा लाइट नहीं भी है फिर भी ये ग्रो करेगा। और समय समय पर इसमें हमको बहुत ज्यादा पानी भी डालने का जरूरत नहीं है, इसका कुछ बहुत ज्यादा केयर करने का भी जरूरत नहीं है। अंदर में रहेगा तो ये 1 सप्ताह के बाद हमको इसमें पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, और अगर बरांडे में है तो 2-3 दिन के बाद हम डाल सकते हैं, देख लेंगे मिट्टी अगर सूख गई है तब उसमें डालेंगे, गीली मिट्टी में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको सनलाइट और धूप तो मिल नहीं रहा है कि ये पौधा सूखेगा। और दूसरा पौधा जो हमारा है वो ये क्या बोलते हैं इसको, हम इस पौधा को बोलते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी हम, ये एकदम इजी ग्रो प्लांट, बिल्कुल रफ एंड टफ प्लांट है। इसको हम अपने घर में कहीं भी, जहां हम एरिका पाम रखते हैं रखेंगे वैसे ही जगह पे हम उसको भी रख सकते हैं, स्नेक प्लांट को। उसके अगर स्नेक प्लांट हमको बहुत नहीं मिल रहा है तो मिनिमम हमको अपने घर में 4 स्नेक प्लांट रखना है, 4 पौधा स्नेक प्लांट्स होना चाहिए। और इसके जगह पे हम सेंसेवेरिया भी, अगर छोटा छोटा सेंसेवेरिया जो होता है उसको हम छोटे छोटे गमले में करके कहीं भी उसको भी, जहां आपके पास जगह हो, खिड़की पे, बरांडे में, बालकनी में, सब जगह कहीं भी जहां आपको स्पेस हो रखिए, ताकि ये हमारे घर का पॉल्यूशन को कम करेगा हमारे घर के अंदर का। तीसरा पौधा जो है वो भी बहुत कॉमन पौधा है, जिसको हम मनी प्लांट्स कहते हैं। ये मनी प्लांट का पौधा मिनिमम हमको अपने घर में 2 रखना है, और आप बढ़ा सकते हैं, आपके पास अगर जगह हो, पौधा का नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा हो तो आप कर सकते हैं उसको अलग अलग बहुत जगह पे। मनी प्लांट सबसे आसान तरीका है कि आपके अगर हैंगिंग बास्केट में भी लगाना चाहते हैं तो कहीं भी आप लगा के उसको रख दीजिए, खिड़की पे, बरांडे में, कहीं भी रखिए, और ये सबसे आसान तरीका है मनी प्लांट को रखने का। और उसको तो हम बॉटल में भी रख सकते हैं, आप उसको ढेर सारा मनी प्लांट्स को बॉटल में, पानी में भी रख के अपने घर में रखिए, जिससे हमारा ये घर का पॉल्यूशन कम होगा। तो अभी के टाइम में हमको सुरक्षित रहने की जरूरत है, तो हम अपने घर में ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, तो कम से कम पौधा के द्वारा अपने घर के ऑक्सीजन लेवल को ये अपने से कोशिश करेंगे कि हमारे घर का पॉल्यूशन कम हो, हमारा घर जो स्वच्छ हो, जिसमें हम अच्छी हवा ले सके। और ये तो सबको पता है कि जहां पेड़ पौधा रहता है वहां शुद्ध हवा हमको मिलती है, तो हम ऐसा करने से हमारे घर में शुद्ध हवा आएगी। और अपने घर के चारों तरफ, अगर आपके बाहर में भी जगह है तो आप बाहर में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अंदर में ही रखना है, बाहर में, ताकि आपको शुद्ध हवा मिल सके, आपके घर के अंदर स्वच्छ हवा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।